जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं गगन सागर और आपका स्वागत है मेरे चैनल गगन की ब्लॉग पे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं देवोक, क्योंकि अभी नवरात्रि का सीजन आने वाला है तो हम जा रहे हैं दुर्गा पंडाल देखने, जो कि काफ़ी चर्चित है फिलहाल। देवोक का जो दुर्गा पंडाल है केदारनाथ धाम की तरह बनाया गया है सुने हैं, इसलिए देखने जा रहे हैं दुर्गा पंडाल और आपको भी आज दिखाते हैं दुर्गा पंडाल। आप बने रहिए हमारे वीडियो पे। और दोस्तों किसी को कहीं का दुर्गा पंडाल देखना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग जरूर जाएंगे दिखाने। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मोड़ा गांव, देख सकते हो ये जो नज़ारा है ये मोड़ा गांव अंदर का है। अभी जो नया नया रोड बन रहा है उसके चलते बहुत सारा घर टूट गया है, काफ़ी चौड़ा बन रहा है रास्ता। ये देखिए जो नाली वाली निकाला गया है जस्ट रास्ता के सामने, ये मोड़ा गांव अंदर का नज़ारा है। ये स्कूल मोड़ा गांव के अंदर का है। तो ये धान है जो रोड किनारे लगाया गया है, काफ़ी बेहतरीन है इस साल का जो फसल है धान का, काफ़ी बढ़िया लग रहा है सब। देखिए ये जो नज़ारा है काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। दोस्तों देख सकते हो पीछे का नज़ारा काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जो दो किनारे पेड़ उड़ लगा हुआ है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी डोहल के सामने, देख सकते हो यहाँ पे एक स्कूल है, ये संगम टेंट हाउस। यहाँ पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, देख सकते हो ये उसका एंट्री गेट है। अभी हम तो अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही दिखा सकते हैं। काफ़ी हरा भरा लग रहा है क्योंकि यहाँ अच्छा अच्छा पेड़ पौधा जगाया गया है। और इधर जाता है डोहल के अंदर, ये डोहल अंदर एंट्री वाला रास्ता, और सामने कॉम्प्लेक्स वगैरह बना हुआ है। और ये कुत्ते लोग घूम रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं धरावाहल पुलिया, देख सकते हो ये पुल के ऊपर जा रहा है बाइक जो अपना। इसके नीचे और एक पुल है जो कि पहले गाड़ी आड़ी आना जाना होता था, अभी इसके ये ऊपर वाला है, ये नया बना है, मतलब काफ़ी पुराना हो गया फिर भी नया है, क्योंकि नीचे और एक ज़्यादा पुराना पुलिया है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं झरावाहल, आपको दिखाते हैं झरावाहल का नज़ारा। तो अभी हम पहुंच गए हैं झरावाहल, देख सकते हैं ये जो नज़ारा है झरावाहल के लिए। वैसे तो देवोक और झरावाहल जुड़े जुड़ा है, सिर्फ एक पेट्रोल टंकी है जो कि क्रॉसिंग एरिया है। पता नहीं पेट्रोल टंकी कौन सा एरिया में आता है, तो देवोक में आता है कि झरावाहल में, हमको तो ये पता नहीं फिलहाल। तो आपको दिखाते हैं देवोक अंदर का जो नज़ारा है। दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं, अभी पेट्रोल टंकी के जस्ट सामने पहुंचे, देख सकते हो इधर जाता है अपना पेट्रोल टंकी। देवोक पे वैसे तो दो पेट्रोल टंकी है, एक एंट्री पे और एक लास्ट पे। अगर आप रायपुर साइड से देवोक आते हो तो एंट्री पे ये वाला पड़ेगा, और धर्मगढ़ साइड उड़ीसा से आते हो तो फर्स्ट वो वाला पड़ेगा। वैसे दो साइड में दो पेट्रोल टंकी है देवोक में। ये है देवोक का स्वास्थ्य केंद्र, इस साल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवोक।
अगर किसी को चोट वोट लग जाए तो आमने सामने वाले यहीं आ सकते हैं, दूर वाले भी आ सकते हैं। वैसे तो कई बार दिखा है आपको देवों को, लेकिन शायद इस बार कुछ दूसरा देखने को मिले। देखिएगा, ये है यहाँ का शिव मंदिर देवों का, और जस्ट सामने एक्सिस बैंक है। ये देखिए फिलहाल बंद पड़ा है एक्सिस बैंक। ये सामने बैंक भी है अपना, ग्रामीण बैंक। देखो काफ़ी खुला खुला लग रहा है, वैसे तो रास्ता आने वाला है, इसीलिए आगे साइड का जो छत होता है सबको निकाल दिए, इसलिए खुला खुला लग रहा है। पहले काफ़ी भरा भरा लगता था। यहाँ एक शोरूम, बाइक शोरूम, जितेंद्र फैंसी, काफ़ी फेमस फैंसी है यहाँ का जितेंद्र फैंसी स्टोर। अभी हम पहुँचने वाले हैं बस स्टैंड वाला एरिया में। यहाँ पर कोई सेपरेट बस स्टैंड तो नहीं है, रोड के किनारे ही जस्ट बस रुकता है। देख सकते हो अभी एक बस खड़ी है, ऐसी रोड के किनारे ही रुकता है, मतलब सेपरेट वाला बनाया नहीं है अब तक। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं जिस एरिया में दुर्गा बैठता है उसी एरिया में। देख सकते हो एक काला सा गेट लगा है जिसमें लाइट आइट काफ़ी बेहतरीन लगता होगा रात को। एक आध दिन रात को आके ज़रूर दिखाएंगे। देखिए यहाँ है, ये है गेट यहाँ का। अभी हम पहुंचने वाले हैं चार छक। ये देखिए, ये सीनापाली एरिया है, सिंगजर आगे धर्मगढ़ जाता है, और ये जो एरिया है इधर डूमर वाहल एरिया कुमड़ी कला। अभी हम पहुंच गए हैं जस्ट दुर्गा पंडाल के सामने। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं हम दुर्गा पंडाल। देखिए जस्ट सामने ही हम लोग खड़े हैं, ये सामने का नज़ारा, जिधर प्रोग्राम होता है। अभी तो फिलहाल पूरा बना नहीं है, देख सकते पूरा आधा बना है, दो चार दिन बाद पूरा बन जाएगा। तो एक बार दुर्गा बिठाने के बाद आपको ज़रूर से ज़रूर टूर दिखाएंगे यहाँ का दुर्गा पंडाल का। वैसे तो बताया जा रहा है कि 2-2.5 लाख के करीब का है, कोई भी कन्फर्म बता नहीं पा रहे हैं। सो काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा सा अंदर जाते हैं दिखाते हैं आपको, हल्का सा, पूरा तो बना नहीं है, जो भी बना है दिखाएंगे। ये सामने आने का नज़ारा है, जब दुर्गा बैठा जाता है तो सामने आने वाला का किला पूरा हटाया जाता है और पूरा खुला किया जाता है। देखिए तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम की कहाँ का ट्रेन देखना है। धन्यवाद।